डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलीट। आई एम चंदन झा, योर इंग्लिश ट्रेनर। इस वीडियो में हम लोग कॉमन वर्ब हेट पढ़ेंगे। हेट का मतलब होता है नफरत करना, चाहे किसी आदमी से या किसी चीज से। जब आप नफरत करते हैं तो आप हेट टर्म यूज करते हैं। क्या आपको पता है हेट के बदले में हम और क्या यूज कर सकते हैं? हेट से स्ट्रांग और कितने वर्ड्स हैं, या हेट से और थोड़े वीक कितने वर्ड्स हो सकते हैं इंग्लिश में? इस वीडियो में हम लोग डिटेल से सीखेंगे। तो हेट का मतलब तो आप समझ गए, हेट का मतलब होता है नफरत करना किसी आदमी से या किसी चीज से। जैसे आप कह सकते हैं, आई हेट आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है। शी हेट्स आइसक्रीम, उसको आइसक्रीम पसंद नहीं है। आप आदमी के लिए भी बोल सकते हैं, आई हेट यू, मैं आपसे नफरत करता हूं, यानी आप मुझे पसंद नहीं हो, बिल्कुल पसंद नहीं हो, तो हेट आप बोले। अगर आपको इससे थोड़ा इजी वर्ड यूज करना हो, इससे थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करना हो, तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। जैसे शी डिसलाइक्स आइसक्रीम, या हिम, आई डिसलाइक हिम या आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम या वो पसंद नहीं है। तो डिसलाइक हेट से थोड़ा सा वीक होगा, तो आप डिसलाइक भी यूज कर सकते हैं, हेट भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको हेट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई वर्ड यूज करना हो, तब आप क्या कहेंगे? तब आप कह सकते हैं डिटेस्ट। डिटेस्ट हेट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड है। डिटेस्ट का भी मतलब होता है नफरत करना किसी आदमी या किसी चीज से बहुत ज्यादा, तो आप बोलेंगे डिटेस्ट। जैसे आई डिटेस्ट हिम, मैं उससे बहुत ज्यादा नफरत करता हूं। अब डिटेस्ट के बदले में लव्ड वर्ड भी यूज कर सकते हैं। लव्ड का भी मतलब होता है टू हेट समबडी समथिंग वेरी मच, किसी को बहुत ज्यादा या किसी चीज को बहुत ज्यादा नफरत करना, बिल्कुल ही पसंद नहीं करना। जैसे आई लव रेनी सीजन, मुझे रेनी सीजन बिल्कुल ही पसंद नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है अवोर। अवोर का मतलब होता है टू हेट समथिंग, किसी चीज से नफरत करना, और वह चीज इमोरली रॉन्ग है इसलिए नफरत है। तो आप कहेंगे आई अवॉइड रेसिज्म इन एनी फॉर्म, मुझे रेसिज्म नस्लवाद किसी भी फॉर्म में हो, मैं उससे नफरत करता हूं, बहुत ज्यादा नफरत करता हूं। तो अवो का यूज आप करेंगे सिर्फ थिंग्स के लिए, कस्टम्स के लिए, आदमी के लिए नहीं कर सकते। आप नहीं बोल सकते आई अवॉइड यू, ये पर्सन के लिए जनरली यूज नहीं होता। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पाइज। डिस्पाइज का भी मतलब होता है टू हेट समबडी समथिंग वेरी मच, किसको, किसी को बहुत ज्यादा नफरत करना, किसी चीज से बहुत ज्यादा नफरत करना, वहां आप डिस्पाइज यूज कर सकते हैं। जैसे आई डिस्पाइज दैट मैन, मुझे वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। नेक्स्ट, अब हम लोग वर्ड के अलावे फ्रेजेस को देखते हैं। आप कांट बियर या कांट स्टैंड यूज कर सकते हैं, इसका भी मतलब होता है नफरत करना। अगर आपको बोलना हो कि मैं किसी चीज से या किसी आदमी से नफरत करता हूं, बहुत ज्यादा नफरत करता हूं, तो आप कांट स्टैंड या कांट बियर बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट बियर योर हस्बैंड, मतलब मैं तुम्हारे हस्बैंड से नफरत करता हूं, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। या आई कांट स्टैंड योर हस्बैंड, आई हेट योर हस्बैंड, तो उस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो हेट का मतलब होता है नफरत करना, ये बहुत ही कॉमन वर्ब है। इस वीडियो में आपने हेट को और किन किन वर्ब से, किन किन एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर सकते हैं, इसको सीखा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।